हेलो दोस्तों, आप सभी ने अभी या कभी भी सुना ही होगा कि आर्मी लड़कियों को आर्मी में नहीं जाना चाहिए, अभी किसी लड़की को सैनिक नहीं बनना चाहिए, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार के दो थॉट है, एक थॉट बोलता है कि आप आर्मी में जा सकते हो, एक थॉट बोलता है कि नहीं जा सकते हो। तो भाई, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लेना कि क्या सही है क्या गलत है। तुरंत मतलब पहली बात सोच के तुम तुरंत ऐसा कमेंट मत करना जो गलत हो, ठीक है? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो। पहले देखते हैं हम पॉजिटिव थॉट जो अलाउड करता है लड़कियों को आर्मी में जाने को। ओके, अब आप देख ही रहो, आजकल महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समानता का आनंद लेती है। कोई कारण नहीं है कि उन्हें संवैधानिक समानता को सेना में भी पेश न किया जाना चाहिए। यह उन चीज़ों के फिटनेस में है जो हमारी महिलाओं को पुरुष के साथ अच्छी तरह से अपने योग्य स्थान पर ले जानी चाहिए। शारीरिक रूप से अब महिला भी पुरुषों से कम स्वस्थ नहीं है। आधुनिक जीवन में दोनों लिंगों के बराबर तोल लिया जा रहा है। पूरे अनुभव के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक गोहेड समाज में खुद को बेहतर तरीके से भरी कर रही हैं। यह केवल उचित है कि महिलाओं को आगे की ओर मार्च करना चाहिए और पुरुषों की कंपनी में उनके उचित स्थान को कंधे पर ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जो युद्ध है वो जो आधुनिक हो गया इस समय, वो शारीरिक युद्ध नहीं है, बिल्कुल शारीरिक नहीं है। शारीरिक अब सिर्फ कुछ जगहों से हो गया है, नहीं तो शारीरिक नहीं है। इसी है कि केवल मर्दाना ताकत के दम पर हम आजकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आधुनिक युद्ध जीतना शरीर से ज़्यादा दिमाग की बात है। आधुनिक महिलाएं बौद्धिक रूप से पुरुषों की तरह उन्नत होती हैं, उनके पास आधुनिक युद्ध करने के लिए आवश्यक सभी बौद्धिक क्षमताएं हैं। आधुनिक युग एक वैज्ञानिक युद्ध है और यहाँ पे महिला हो या पुरुष हो, जो बौद्धिक रूप से तैयार है वही युद्ध कर सकता है। लड़ाई पीढ़ियों से महिलाओं की खून में रही है और योद्धाओं के रूप में वो पुरुषों की तुलना में अपनी साजिश की शक्ति के साथ अधिक सफल होने का संभावना रखते हैं। और पता ही है आपको, महिला कितनी तेज तर्रार होती हैं, चाहे माइंड से हो, आप देख ही रहे होंगे आजकल घरों में। तो फिर वो लड़ क्यों नहीं सकती, वहाँ पे भी तो अपना माइंड लगा सकती है। हो सकता है ये यहाँ पे ये इस स्तर से लगाती है तो वहाँ पे उस स्तर से लगाती होंगी। आइए फिर जानते हैं अब दूसरी थॉट क्या है जो अलाउड नहीं करती है कि महिलाओं को सेना में जाना चाहिए। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि महिलाओं को कठिन नौकरियों के लिए शारीरिक रूप से कटौती नहीं की जाती, हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। वे परिवार की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हल्के कार्यालय के काम और शिक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। ये तो सही बात है, अगर देखा जाए तो बेस्ट है उनके लिए किसी कॉलेज में पढ़ाना, किसी स्कूल में पढ़ाना या फिर कहीं भी ऑफिस कार्यालय में काम कर लेना, अच्छी बात है, बॉर्डर पर लड़ने से अच्छा है। फिर उनके लिए रसोई का काम भी कोई युद्ध से कम नहीं है, अगर वो उसी को अच्छे से करती हैं तो युद्ध पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। और अक्सर देख ही रहे होंगे कभी कभी रसोई को लेके ही हल्ला हो जाता होगा घर में, वो भी तो एक युद्ध ही हो जाता है घर में। नॉलेज तो है भाई, एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना में भर्ती के लिए उनके नरम और आसान स्वभाव के लिए बहुत कठिन होता है। बात सही है यार, वो जो औरतें नरम और आसान स्वभाव की होती है ना, तो अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को दर्द होती है, तो देख के उनकी आंखों में आंसू हो जाता है। और बॉर्डर के लिए ज़रूरी नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो महिलाएं जल्दी कभी भी मोर्चे पर जल्दी सफल नहीं पाई गई है, लेकिन केवल युद्ध के पृष्ठभूमि में पीछे से नर्सों और सामान्य सहायक रूप में कार्य आई हैं। उनका इतिहास सक्रिय सैनिकों के रूप में उनकी भर्ती के लिए अनुकूल नहीं है। हमारे पास घातक पड़ोसी हैं जो हमारी सीमाओं पर बुरी नज़र रखते हैं, और ऐसे समय में अगर लड़की भी रही तो फिर हम समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम होती है। तो कहा जाता है कि
हमारे पास घातक पड़ोसी हैं जो हमारी सीमाओं पर बुरी नज़र रखते हैं, उनकी धमकी को रोकने के लिए हमारे पास वास्तव में सशस्त्र बल एक मजबूत होना चाहिए जो कि इन सबको रोक सके, जो किसी को भी मारने काटने या सोचने में न हिचकिचाए, या फिर उनकी आंखों में आंसू ना आए, या फिर वो डरे नहीं। एक कमज़ोर नहीं तगड़े हृदय वाले चाहिए। इसीलिए अधिक लोगों का मानना है कि वहाँ पर लड़कियाँ सक्सेस नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर अगर दोनों का तुलना किया जाए तो मेरा मानना है कि अब वो समय नहीं रहा, अब चाहें तो लड़कियाँ भी लड़ सकती हैं अगर वो चाहे तो, अगर वो अपने आप को मजबूत बनाए तो। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में लड़कियाँ भी WWF में फ़ाइट करती हैं, WWE की लड़ती हैं, तो वो कमज़ोर थोड़ी ना है, वो तो फाइट करती ही हैं। और आजकल सैनिक में जा रहे हैं, लड़कियाँ भी सैनिक में जा रहे हैं, लड़के भी हैं, दोनों सेम है, अब दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है। सो थैंक यू।